the school that along with the students welcome you. After that, now I आह्वान था कि जो 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी एक्शन हुआ था उस एक्शन का कल 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, तो जो 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं जो ये अगले 9 अगस्त 1925 तक चलेगा। भाई तुम जाओ ना, तुम इसके बाद जब परमिशन लेने जाओगे अगर पूछ लिया कि बताओ काकोरी एक्शन किसको किसको फांसी दी गई, किसको किसको काला पानी दिया गया और किसको किसको आजीवन करा हुआ, कौन बता पाएगा? फिर आपको ये सब ये चीजें बहुत जरूरी है ना। yes, sir. अगली बार मैं आऊंगा पूछूंगा। yes, sir. ये yes, sir. और मैं सभी टीचर से आपसे कहना चाहूंगा तो मैडम है यहाँ पर देखो, बच्चों को सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा इनके रूट्स में इनके जड़ में क्या है। वो कुछ इनको मालूम नहीं, आप इंग्लिश के चार सब बता दोगे क्या होगा, ये जस्ट बता रहे हैं। इससे बड़े बाबू उनके रह जाएंगे क्या करेंगे, जब उन्हें जॉब ढूंढेंगे एक बाबू कहीं से मिल जाएंगे, नहीं तो किसी प्राइवेट उसमें जाकर। ये अगर आप इनका फ्यूचर इनका कैरियर बनाना चाहते हो इनका ओवरऑल डेवलपमेंट, मैं ये नहीं कहता कि जब इनको यही नहीं मालूम होगा कि कल इतनी बड़ी चीज है, हर घर तिरंगा कब से कब तक है, हर घर तिरंगा अभियान, ये सब इतनी के मैं बता रहा हूँ तो आप लोग की मतलब हर घर तिरंगा अभियान जो है प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब लोग अपने घरों में तिरंगा लगाएंगे और ये अभियान चलेगा 13 तारीख से लेकर 15 तारीख। तो आप लोग भी सर से कहिएगा आपको फ्लैग मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप वीडियो कॉल से लीजिएगा और नहीं देंगे तो हमको बताइएगा, लेकिन अपनों घरों में अपने अपने घरों में तिरंगा जो आपके घर में आसपास जितने कोई नहीं लगाता है उसकी भी शिकायत करिएगा, ठीक है ना। आपको किस तरह आपको कहीं ना कहीं अगर आप नहीं ठीक से पढ़ाओगे तो मैं पढ़ाने भी आता हूँ, ठीक है ना। इसी दिन मैं क्लास में लोग की आगे चलिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने जिले के प्रथम नागरिक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं कि आप अपने आशीर्वचनों से हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, हमारे मीडिया बंधु, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे अध्यापक बंधुओं को सिंचित करें। आदरणीय सर, एसडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आयोजित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर उपस्थित सीएमओ सर, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, हमारे अन्य सम्मानित अधिकारीगण, कॉलेज के प्रिंसिपल सर, एमडी सर, टीचर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, जैसा कि अभी सीएमओ साहब ने डिटेल में बताया कि पेट के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए आज हम सभी लोगों को, जो कि 19 साल तक की एज के हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को, छात्र और छात्राओं को, जो यंग एज के लोग हैं, उन सभी लोगों को इस दवाई को खाना होगा और इस दवा को चबा कर खाना होगा, जिससे कि आपके पेट में कोई भी जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही जो आप लोग एक फाइलेरिया नाम के रोग के बारे में जानते होंगे, जिसको कि पहले गाँव में कहा जाता था हाथी पाँव, उससे भी मतलब मैंने देखा था कई बार जिनको ये बीमारी हो जाती थी, फिर मैंने उनको ठीक होते हुए नहीं देखा। अब पूरा पैर उनका इतना बड़ा हो जाता है कि उनको चलने में, बैठने उठने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, अब खासतौर से जो हमारे सामने हमारे जो मातृशक्ति बैठी हुई हैं, उनकी गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अवश्य दवाई खिलाइएगा, अन्यथा की स्थिति में आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो गैर पंजीकृत और स्कूल न जाने वाले हमारे बच्चे हैं, उनको भी हमारी जो मेडिकल की यहाँ की पूरी टीम है, एनओआईसी साहब हैं, उनके अन्य जो डॉक्टर्स हैं, वो सभी लोग, पूरे जितने भी हमारे आज इस क्षेत्र के ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, उनके घरों पर जाकर इस दवाओं का उनको सेवन कराएं। इसके साथ बाई चांस अगर आज की डेट में कुछ बच्चे छूट जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट राउंड जो 14 तारीख को, 14 अगस्त को चलाया जाएगा, और आप लोग उन छूटे हुए बच्चों को उसका सेवन अवश्य कराएं। इसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने बताया है, सीएमओ साहब ने, कि अपने क्षेत्र के बच्चों को खासतौर से सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में अवश्य बताइए, जिससे कि कैसे खाना खाने के पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, और डेली जो कह सकते हैं कि तो उनको अपने स्वच्छता पर खास तौर से ध्यान देना है, अपने घर के आसपास की सफाई पे ध्यान देना है। अगर हम लोग स्वच्छ रहेंगे तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही आज मैं यहाँ पर मुझे मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सीएमओ साहब से कि मुझे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिला। मैंने देखा कि यहाँ की बेटियाँ, बच्चियाँ बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही होशियार हैं, बहुत अच्छी उन्होंने अभी आपने इस बीच में बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं कुछ बातें आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जो कि 10th और 12th की हमारी बेटियाँ हैं, कि देखो जो अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर पूरे इंडिया में अपने एजुकेशन के लिए जाना जाता है। अभी मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से, वहाँ के DGP जो पुलिस विभाग के सबसे टॉप पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, उनके जैसे फोन आते हैं तो बड़े खुश होकर थे, साहब मैं भी अम्बेडकर नगर में, मेरा जलालपुर में मेरा यहाँ पर घर है और मेरा ये काम है, आप उन काम को करा दीजिए। पिछली बार जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो रिजल्ट आए हैं, उसमें टॉप 10 में हमारे यहाँ की 3 लड़कियाँ हैं। इसी प्रकार TCS में भी, मतलब हमारे यहाँ का रिजल्ट कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं खासतौर से उन बच्चियों को, उन बेटियों को कहना चाहूंगा जो 10th और 12th में है, वो अभी से अपने कैरियर को लेकर दम सीरियस हो जाएं। कुछ लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हैं, IAS बनना चाहती हैं, IPS जो भी बनना चाहते हो, अपना एक टारगेट ले लें और एक टारगेट के लोग लेकर उसको पढ़ाई करें। लेकिन पढ़ाई में देखिए कंपटीशन में, चूंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग कंपटीशन देते हैं, तो आपका जो फाइट है
बहुत ही टफ है और आप तभी इस कंपटीशन में आप सफल हो पाओगे, आपको तभी सक्सेस मिलेगी जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ रहेगा। मतलब किसी एक फील्ड में नहीं, आपको हर फील्ड के बारे में, चाहे वो साइंस में हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, सभी फील्ड में, चाहे आपका जो करंट अफेयर्स होता है, आपका जनरल नॉलेज होता है, जनरल स्टडीज होता है, आपको इसलिए मैं चाहूंगा अभी से आप लोग अपनी और राष्ट्र की सेवा कर सकें। दूसरी तरफ टीचर्स का रोल इतना बड़ा है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, अभी आप इनको जो पढ़ाओगे, जो पढ़ा दोगे, उनके दिमाग में बैठा दोगे, निश्चित रूप से वही चलकर आगे उनके मतलब खाली मैं किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को क्रिटिसाइज कभी नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि मैं जिस भी स्कूल में जाएं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों, उनको हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, जिन लोगों की वजह से आज मैं खड़ा होकर स्पीच दे रहा हूँ और आप सुन रहे हो, मतलब हम आज़ादी की हवा की में सांसें ले रहे हैं, उसके बारे में उनको मालूम होना चाहिए। होता क्या है, एक अंधी सी एक दौड़ चल रही है, कोई इसको मतलब अदरवाइज नहीं लेगा, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि साहब अच्छा बच्चा पैदा हो गया, आप देखिए बैठा बैठी है, जैसे छोटा बच्चा है तो अपने घर में कहे कि नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूल में इनको भर्ती कराओ, पब्लिक स्कूल में भर्ती कराओ, नहीं तो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। होता क्या है, मैं इसको बहुत करीब से देखता हूँ, मेरा भी सिर्फ मतलब मेरा एक ही बेटा है, एक इशू है हमारा, और वो जयपुरिया में पढ़ता है, तो हालत इतनी दिक्कत हो गई है, जैसे भी मैं बच्चों को इसीलिए पूछ रहा था कि मैंने अभी रास्ते में आते समय उससे कहा कि तुम वृक्षारोपण के ऊपर बताओ, इस बार सीएम सर ने एक थीम दिया है, वो थीम क्या है, उसने चार लाइन लिख के बताओ व्हाट्सएप पे, तो पहले तो उसने कहा पापा पापा पहले हमको बताओ कि ये वृक्षारोपण क्या करना चाहते हो, ये वृक्षारोपण क्या है आप बताइए, तो मतलब दिक्कत क्या है। अभी कुछ दिन बाद मैं उसको पहले कहता हूँ बेटा तुम पहले इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करो, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स हैं जहाँ इंग्लिश में वही हिंदी में भी है, हिंदी की बहुत और नेशनल मूवमेंट जिसके बारे में आपसे पूछ रहा था, आप कोई भी कंपटीशन दोगे आप मान के चलो 25% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगी आपके उतने नंबर कट जाएंगे। मैं सभी टीचर से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे नेशनल मूवमेंट, जो हमारे जो कह सकते हैं जिनों जो लोग हमारे देश को दिशा और दशा के लिए पॉलिसी तय करते हैं उनके बारे में, और जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, मैंने भी एक बच्चे से पूछ लिया था कि भाई ये बताओ कि लव कुश कौन थे, उतना मुख में पहले ऐसे बोला सर ने क्या पूछ लिया मुझे, फिर मुझे भी लगता है कि यार मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें लगती हैं कि जो हमारा एजुकेशन जिस लाइन पे जा रही है उसको पूरा का पूरा चेक करने की जरूरत है। अगर हमारे बच्चे कल को हो सकता है आज से 10-20 साल और बीत जाएगा, बच्चे फिर मुंह खोल के कहेंगे कि भगवान श्री राम कौन है, फिर कुछ दिन बाद और पूरा हो जाएगा कि अयोध्या कहां पर है, ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको आपकी जड़ों के दूर ले जा रहे हैं। और एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि ये जो सभ्यता संस्कृति से दूर होने के साथ साथ आप अपने मूल्यों से भी दूर हो रहे हो, नैतिक मूल्यों से, और उसकी कमी तो मैं अम्बेडकर नगर में बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ, और उसका कारण यही है कि आप देख लो हर घर में भाई और भाई में झगड़े चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं ना ऐसे नहीं है झगड़े, बड़ा भाई छोटा भाई, माता बेटा, पिता बेटा, सास बहू, ये प्योरली आपकी कहते हैं कि घरेलू मामले चल रहे हैं। क्यों आपने कभी सोचा, क्योंकि हम अपने मूल्यों से, सामाजिक मूल्यों से दूर होते चले जा रहे हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां हमारे इष्ट कह लीजिए, आराध्य कह लीजिए, अपने पिता के कहने पर 14 साल के लिए जंगल चले गए। उस देश में वही छोटा भाई बिना कहे
वो अपने बड़े भाई के। और देखिए तीसरा भाई जिनके गद्दी मिल गई, लेकिन गद्दी पे उसने कभी बैठा ही नहीं, वो खाली उनकी खड़ाऊ रखकर पूरे 14 साल उन्होंने बिता दिए। तो जिस देश में हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे मूल्य इतने ज्यादा कह लीजिए कि एनर्जेटिक कह लीजिए ऊर्जा से भरे हुए, अगर सब लोग उनको बताया जाए तो ये जो समाज में दिक्कतें भी हो रही हैं, मैं अपनी बेटियों से पूछना चाहता हूँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती आने जाने में रास्ते में, खुल के बताइएगा। देखिए मैं कल से एक चीज से बहुत ज्यादा पत्रकार हूँ, हमारे पत्रकार साथी बैठे, कल मैंने अखबार में पढ़ा महुआ थाने में एक बेटी है वो स्कूल पढ़ने जाती है और रास्ते में कई दिन से दिक्कतें आ रही थी और दिक्कतें आ रही थी, अंत में उसने कह दिया कि मैं अब स्कूल ही नहीं पढ़ने जाऊंगी। ये बहुत ही खराब बात है। एसडीएम साहब इस बात को आप सुनिश्चित कराएंगे सीओ साहब के साथ कि जनपद तहसील आलापुर के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ये घटना मुझे दोबारा सुनाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची के घर में खुद जा और पूछा और मैंने उनसे भी कहा कि अगर ये घटनाएं इस तरह की दोबारा होती तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कोई भी आपको दिक्कत हो अपनी समस्याओं को छिपाइए मत, रोकिए मत। कोई भी एसडीएम साहब आपके सामने खड़े हैं, वीडियो साहब हैं, सीओ साहब हैं, उनकी हेल्प लीजिए। कोई भी आपको परेशानी आपके पढ़ाई के रास्ते में एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में काम करिए, आपको आपके टारगेट को हिट करने में जो कोई भी रास्ते में बाधा बन रहा है उस बाधा को तत्काल हटा दीजिए, जिससे कि आपके टारगेट को किल करने में कोई आपके रास्ते की रुकावट ना बन पाए। टोटल पैसा टोटल जुनून, ऐसे कई आपने एक फिल्म देखी होगी मांझी, किसने देखी बताइए, मांझी देखी थी, दशरथ मांझी उसकी वाइफ की डेथ हुई थी, पूरा का पूरा उसने एक फावड़े से पूरा का पूरा पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। साइलेंस किसी ने देखी, साइलेंस वन साइलेंस पार्ट टू, मैं कहूंगा बच्चे देखेंगे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि अगर आपके अंदर पैशन है जुनून है तो निश्चित रूप से आप ही उन लोगों की तरह से अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः कॉलेज की प्रिंसिपल सर को एमडी साहब को जो यहाँ की टीचर्स हैं उनको खासतौर पर थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आज मैं आया और आपका कॉलेज देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कि एक आलापुर में इतना ही कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कॉलेज चल रहा है और आप लोग उसमें अपने बच्चों को योगदान दे रही हूँ। बच्चों को मैंने बताया काफ़ी क्योंकि एक मोटिवेट करने की मेरी कोशिश रहती, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक प्रयास करता हूँ, और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं मैं इनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि इनकी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर हमारे देश और समाज की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करेंगे। मैं चाहूँगा कि सीएमओ साहब को जो दवाइयाँ खिलानी बच्चों को खिलाकर उनको दवाइयों का सेवन करा दें। जय हिंद जय भारत। Thank you.